सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या है, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं और लोकोक्तियों के प्रयोग कहाँ होता है। बच्चों, लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोकधन उक्ति का सामान्य अर्थ है लोगों में प्रचलित उक्ति या कथन। मुहावरे की तरह लोकोक्ति भी मानव जाति के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला परंपरागत कथन होता है। ये ऐसी तीखी उक्तियां होती हैं जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती है। लोकोक्तियां भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम है तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। यह हमेशा स्वतंत्र रूप में नहीं, शब्द के रूप में नहीं, बल्कि यह वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इन्हें साधारण बोलचाल के भाषा में कहावत भी कहते हैं। हिंदी साहित्य की भाषा में, हिंदी व्याकरण की भाषा में इसे हम लोकोक्ति कहते हैं, लेकिन इसे सर्वसाधारण जनसाधारण की बोलचाल के भाषा में इसे कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला परंपरागत कथन होता है। लोकोक्तियां भूतकाल के लोक अनुभवों के परिणाम है। मुहावरे और लोकोक्तियां में कुछ सामान्य अंतर भी है। आइए जानें ये समान अंतर क्या है। मुहावरे वाक्य खंड होता है, जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं, लेकिन लोकोक्तियां वाक्य का अंग नहीं होती। उसको प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय माना जाता है। ये कुछ सामान्य अंतर हैं मुहावरे और लोकोक्तियां में। आइए हम कुछ लोकोक्तियां और उन लोकोक्तियों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग जानते हैं, जिससे लोकोक्तियां स्पष्ट हो जाएगा। अधगर गगड़ी छलकत जाए, ये है लोकोक्तियां और काफी प्रसिद्ध लोकोक्तियां हैं। अधगर गगड़ी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है ओछ व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी प्रशंसा करता है। इसे वाक्य प्रयोग देखें, उसे आता जाता तो कुछ नहीं, परंतु स्वयं को श्रेष्ठ बताने की खातिर वह काफी बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। सच है अधगर गगड़ी छलकत जाए, अर्थात उसे कुछ भी आता जाता नहीं है, पर अब खुद को महान बनाने के लिए अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बड़ाई करता है। दूसरा लोकोक्ति, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, का अर्थ है अकेले व्यक्ति से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। वाक्य प्रयोग देखिए, यदि एक आदमी ईमानदार है तो वह बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। कभी अकेला चना भार नहीं फोड़ता।
अगला लोकोक्ति देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस प्रसिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है, अवसर आने पर प्रयत्न न कर बाद में पछताना। वाक्य प्रयोग देखिए, इसे और भी स्पष्ट हो जाएगा, मोहन ने परिश्रम नहीं किया था सो फेल होकर रोने लगा। भैया बोले, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते तो तूने मेहनत किया नहीं, अब पछताने से भी भला क्या मिलने वाला है जब समय नष्ट हो गया। आम की गुठलियों के दाम, काफी प्रसिद्ध लोकोक्तियां हैं। किसी कार्य में दो गुना लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात किसी काम में दो गुना लाभ होना, दोनों तरफ से लाभ ही लाभ। मोहित ने परीक्षा देकर अपनी पुस्तकें रमेश को आधे दाम में बेच दिया, इस प्रकार उसने पुस्तक का उपयोग भी कर लिया और दाम में बेच भी लिया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। प्रसिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है, अपराधी के साथ निरपराध भी दंडित हो जाता है। उसके बेटे ने चोरी की और पुलिस के हाथ नहीं आया, पुलिस बाप को पकड़ ले गई। इसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अर्थ होता है, अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। वाक्य प्रयोग देखिए, रवि का खोया हुआ पेन दिनेश की जेब से मिला। चोरी साबित होने पर वह उल्टा रवि को ही दोष देने लगा। हुई न वही बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम होना। वाक्य प्रयोग, परिवार में खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, कमाने वाला एक, पता ही नहीं चलता सारा वेतन कहाँ चला जाता है। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हुई। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ होना। राजन की बारात में लखनऊ जाने पर निमंत्रण भी पूरा हो गया और लखनऊ के अनेक स्थानों पर भी सैर सपाटा कर वापस लौटे। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्रसिद्ध लोकोक्तियों का अर्थ है, झगड़े में दोनों पक्ष कारण होते हैं। तुम सारा दोष रवि को ही दे रहे हो कि उसने ही लड़ाई की, यह कैसे संभव है? तुमने भी तो कुछ कहा होगा, ध्यान रखो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। प्रसिद्ध लोकोक्ति की अर्थ है, बहुत प्रयत्न करने पर भी बहुत कम लाभ होना। दीनू ने सारा दिन कड़कती धूप में काम किया परंतु मजदूरी मिली केवल 5 रुपये। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। घर का भेदी लंका ढाए। आपस में फूट हानिकारक होती। वाक्य प्रयोग देखिए, देश की गुप्त सूचनाएं देने लगे हैं, जिनके आधार पर आतंकवादी हमले करके जन धन की हानि करते हैं। सच है घर के भेदी लंका ढाए। चोर चोर मौसेरे भाई।
प्रसिद्ध लोकोक्ति का अर्थ समान स्वभाव के लोग जल्दी मेलजोल कर लेते हैं। लोग बड़ी मुश्किल से चोर को पकड़कर थाने पर लाए, पर सिपाही ने रिश्वत लेकर चोर को छोड़ दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित होकर बोल उठे, चोर चोर मौसेरे भाई। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखना। वाक्य प्रयोग है, नेताजी समाज सुधारक की बात करते रहे और स्वयं उसका बेटा कितना बड़ा गुंडा मवाली है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जिसकी लाठी उसी का भैंस। आप सभी ने यह प्रसिद्ध लोकोक्तियां सुना होगा। इस प्रसिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है, शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, वर्तमान युग में अपराधी बिना किसी जनाधार के अवैध रूप से तथा बाहुबल के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसी का भैंस। बच्चों, ये था लोकोक्तियां का महत्व, लोकोक्तियां का प्रसंग और प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियां में सामान्य अंतर। तो मैं आशा करती हूँ लोकोक्तियां आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।